मैं नामिका मिश्रा आप सबका स्वागत करती हूँ लेडी ऑफ चेन्नेशन में। फ्रेंड्स, आज हम मल्टीपर्पस ऑर्गेनाइजर बैग स्टिच करेंगे जो कुछ इस तरह से है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने मल्टीपर्पस ऑर्गेनाइजर बैग स्टिच किया है। देखिए फ्रेंड्स, साइड में एक जिप से पॉकेट है, इसको हम ओपन करेंगे और इस पॉकेट में देखिए अपना कुछ भी सेट करते हुए इसको जिप से यहाँ से लॉक कर दीजिए। और ऐसे ही देखिए दोनों साइडों में भी जिप से पॉकेट है, एक पॉकेट देखिए हमारी इस साइड से है और इस पॉकेट में भी देखिए अपने सामान को इसमें सेट करते हुए इसको भी जिप से लॉक कर दीजिए। और ऐसे इस साइड भी एक जिप से पॉकेट है, इसको भी ओपन करेंगे और इस पॉकेट में भी देखिए अपने सामान को इसमें सेट करते हुए जिप से इसको भी लॉक कर दीजिए। और सेंटर में हम देखिए इसको ओपन करेंगे और ये पूरा बैग देखिए ऐसे हमारा ओपन हो जाएगा। इसमें देखिए फ्रेंड्स, अंदर की साइड में काफ़ी स्पेस है, इसमें अपना ज़्यादा ज़्यादा सामान सेट करते हुए आप रख सकती हैं। अपने सामान को देखिए इसमें सेट करते हुए इसको देखिए ऐसे यहाँ से जिप से लॉक कर दीजिए। और इस बैग को हम देखिए सैंडल से कैरी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये बैग काफ़ी यूजफुल है, इसमें अपने ज़्यादा सामान को इसमें ऑर्गेनाइज करके आप रख सकती हैं। और इस बैग को स्टिच करने के लिए हमने 1 मीटर मेन फैब्रिक और 1 मीटर लाइनिंग फैब्रिक यूज़ किया है। और फ्रेंड्स, ये हमने वाटरप्रूफ यानी पैराशूट फैब्रिक यूज़ किया है, बट आप इसको किसी भी फैब्रिक से स्टिच कर सकती हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारा मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइजर बैग पसंद आया हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो आज हम ये मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइजर बैग स्टिच करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वर्क। मल्टीपर्पज़ स्टोरेज बैग बनाने के लिए हमने 12.5x20 का देखिए क्विल्टेड पीस लिया है। इसमें हमने मेन फैब्रिक, रबर शीट और लाइनिंग को लेते हुए साइड से स्टिच करके हमने सारे पार्ट्स को रेडी किया है। तो हमें 12.5x20 का एक क्विल्टेड पीस लेना है और ये हमने 11.5x20 का एक क्विल्टेड पीस लिया है और ये हमने 10x20 के 2 क्विल्टेड पीसेस लिए हैं। 10x20 के हमें 2 क्विल्टेड पीसेस लेने हैं और ये हमने 10x11.5 के देखिए 2 क्विल्टेड पीसेस लिए हैं और 2 हमने प्लेन पीसेस लिए हैं 10x11.5 के। 7.5x8.5 का देखिए हमें एक मेन फैब्रिक लेना है और एक हमें ये लाइनिंग फैब्रिक लेना है 7.5x8.5 का। ये हमने 30 इंच के 2 हैंडल्स लिए हैं और ये हमने 11 इंच की देखिए 4 बेल्ट ली है। 11 इंच की हमें 4 बेल्ट लेनी है। ये हमने 8 इंच की देखिए एक जिप ली है और इसमें हमें सिंगल रनर लेना है और ये हमने 10 इंच की 2 जिप ली है और इसमें भी हमें सिंगल रनर लेना है और ये हमने 40 इंच की एक जिप ली है और इसमें हमें डबल रनर लेना है और ये हमें 4 डी रिंग्स लेने हैं। 4 हमने देखिए डी रिंग्स लिए हैं। सबसे पहले हम 8 इंच की ये जिप लेंगे और 1.5 इंच की ये हम पाइपिंग लेंगे। पाइपिंग हमें मेन फैब्रिक की लेनी है और पाइपिंग को हम देखिए जिप की बैक साइड में ऐसे रखेंगे। ऐसे हमें सेट करते हुए इस साइड हम जिप की एक साइड में पाइपिंग को स्टिच करके इसमें अटैच कर देंगे। जिप की बैक साइड में हमने देखिए पाइपिंग को स्टिच करके अटैच कर दिया है और अब हम इस प्लेन पीस को ऐसे फ्रंट साइड में से टर्न करेंगे और इस फैब्रिक को देखिए एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे और एक बार और डबल फोल्ड करते हुए स्टिच लाइन पे हम देखिए ऐसे सेट करते हुए सीधे स्टिच करके पाइपिंग को हम लॉक कर देंगे। पाइपिंग को हमने देखिए डबल फोल्ड करते हुए स्टिच करके लॉक कर दिया है और अब देखिए ये हम 7.5x8.5 का देखिए मेन फैब्रिक लेंगे और लाइनिंग फैब्रिक लेंगे और ये जो जिप है जिप की दूसरी साइड में हम इस फैब्रिक को अटैच करेंगे। देखिए दोनों राइट साइड एक साइड में होगा और जिप के ऊपर हम ये प्लेन पीस ऐसे सेट करते हुए यहाँ पर हम सीधे स्टिच करके इसमें अटैच कर देंगे। जिप और प्लेन पीस को हमने देखिए मेन फैब्रिक में अटैच कर दिया है और अब हम इस प्लेन पीस को बैक साइड में से सेट करते हुए प्रेस कर लेंगे और फ्रंट साइड में आएंगे और इस साइड हम दाब सिलाई देते हुए सीधे स्टिच कर लेंगे। इस साइड हमने देखिए दाब सिलाई देते हुए सीधे स्टिच कर लिया है और अब हम देखिए जिप को ओपन करेंगे और इसमें हम रनर डाल देंगे। जिप में हमने देखिए रनर डाल लिया है। 11.5x20 का ये क्विल्टेड पीस लेंगे और इस क्विल्टेड पीस में हम देखिए इस साइड से ये 11 का साइड है और ये 20 का साइड है तो हम 20 की साइड में यहाँ पर सेंटर का मार्क करेंगे। देखिए 10 इंच पे सेट करते हुए एक साइड से इस साइड मार्क कर लेंगे और ऐसे ही इस साइड भी 10 इंच पे हम मार्क कर लेंगे।
इस साइड हमने देखिए 10 इंच पे सेट करते हुए सेंटर का मार्क कर लिया है। और अब हम देखिए इस पार्ट को लेंगे और इसको हम ऐसे फोल्ड करते हुए इसमें भी हम दोनों साइड से सेंटर का मार्क करेंगे। देखिए इस साइड हम चौक से सेंटर का मार्क लगाएंगे, पाइपिंग के ऊपर हम देखिए चौक से लगाएंगे और इस साइड भी हम चौक से सेंटर का मार्क कर लेंगे। दोनों साइड से हमने देखिए सेंटर का मार्क कर लिया है। और अब हम देखिए ये जो सेंटर का मार्क है, इस मार्क को और इस मार्क को, दोनों मार्क को मिलाते हुए हम प्लेन पीस को क्विल्टेड पीस में अटैच करेंगे। देखिए सेंटर के मार्क से मिलाते हुए पिनअप कर लेंगे। और इस साइड भी देखिए जो सेंटर का मार्क है और इसको मार्क को, दोनों मार्क को मिलाते हुए पिनअप कर लेंगे। फिर से हमने देखिए प्लेन पीस को क्विल्टेड पीस में सेट कर दिया है। और अब हम देखिए इस साइड आएंगे और इस साइड जो हमने सेंटर का मार्क लगाया है, इस सेंटर के मार्क से हम 3.5 इंच देखिए इस साइड हम मार्क करेंगे और इस साइड भी हम 3.5 इंच पे देखिए मार्क कर लेंगे। दोनों साइड से हमने देखिए मार्क कर लिया है। ये जो मार्क वाला पॉइंट है, इस साइड से हम यहाँ पर 1.5 इंच पे देखिए ऐसे सेट करते हुए मार्क कर लेंगे और ऐसे इस पॉइंट से भी 1.5 इंच पे सेट करते हुए मार्क कर लेंगे। और अब हम ये 11 इंच की बेल्ट लेंगे, 4 हमने बेल्ट ली है, इसमें से हम 2 बेल्ट लेंगे और ये हम डी रिंग्स लेंगे। और इस बेल्ट को हम देखिए ये जो फैब्रिक इसमें अटैच किया है, इस फैब्रिक के ऊपर देखिए ऐसे सेट करते हुए यहाँ पर हम पिनअप करेंगे। बेल्ट को हमने देखिए क्विल्टेड पीस में सेट कर दिया है। और अब देखिए जो हमने 1.5 इंच में डाउन किया है, इस साइड हम देखिए बेल्ट में डी रिंग को अंदर की साइड में देखिए ऐसे सेट करेंगे और इस साइड से बेल्ट को अंदर की साइड में करते हुए डी रिंग को हम देखिए पॉइंट पे ऐसे सेट करते हुए यहाँ पर हम देखिए इस साइड से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। और ऐसे हम स्टिच करके इस साइड से और ऐसे ही दूसरी साइड में हम बेल्ट को सेट करते हुए स्टिच करके डी रिंग के साथ इसमें अटैच कर देंगे। दोनों बेल्ट को हमने देखिए डी रिंग के साथ में ऐसे यहाँ से और इस साइड से स्टिच करके अटैच कर दिया है। देखिए इस साइड हमें क्रॉस में स्टिच करके भी मजबूती के साथ दोनों साइड से हमें बेल्ट को अटैच करना है। और अब हम देखिए इस साइड से पिन को ओपन करेंगे और इस साइड भी स्टिच करके पाइपिंग के ऊपर देखिए स्टिच करेंगे और इस पॉकेट को हम क्विल्टेड पीस में अटैच कर देंगे। इस साइड से और इस साइड से दोनों साइड से स्टिच करके हमने प्लेन पीस को क्विल्टेड पीस में अटैच कर दिया है। और एक हमारी जिप से इस साइड यहाँ पर पॉकेट बन के रेडी हो गई है। तो देखिए बड़ी पॉकेट बन के रेडी हो गई है, इसको हम देखिए लॉक कर देंगे। और अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमने सेंटर का मार्क किया है, इस साइड हमें ये लेडी ऑफ जनरेशन का लोगो इसमें अटैच करना है। तो हम देखिए सेंटर में ऐसे सेट करते हुए स्क्वायर शेप में स्टिच करके लोगो को इसमें अटैच कर देंगे। क्विल्टेड पीस में हमने देखिए लोगो को अटैच कर दिया है और ये पार्ट हमारा रेडी हो गया है। और अब देखिए हम 12.5x20 का ये हम क्विल्टेड पीस लेंगे और इस क्विल्टेड पीस में भी हम इस साइड से सेंटर का मार्क करेंगे। देखिए ये 20 का साइड है और ये 12.5 का साइड है, तो हम 20 की साइड में यहाँ पर हम देखिए 10 इंच पे सेंटर का मार्क करेंगे। इस साइड हमने देखिए सेंटर का मार्क लगा लिया है और ऐसे ही हम इस साइड आएंगे और इस साइड भी हम देखिए 10 इंच पे सेंटर का मार्क लगाएंगे। और अब हम देखिए सेंटर के मार्क से 3.5 इंच इस साइड मार्क करेंगे और इस साइड से भी हम 3.5 इंच पे ऐसे हम देखिए मार्क कर लेंगे। और ऐसे इस साइड भी हम देखिए सेंटर के मार्क से 3.5 इंच इस साइड से और इस साइड से दोनों साइड से हम मार्क कर लेंगे। इस साइड भी हमने मार्क कर लिया है। और अब हमने जो 3.5 इंच मार्क किया है, इस पॉइंट को हम इस वाले पॉइंट से देखिए ऐसे मिलाते हुए सीधे सेट करेंगे और सीधे हम चौक से मार्क कर लेंगे। इस साइड हमने देखिए मार्क कर लिया है और ऐसे इस साइड भी जो 3.5 इंच मार्क किया है और इस साइड जो हमने मार्क किया है, दोनों मार्क वाले पॉइंट को देखिए ऐसे सेट करते हुए इस साइड भी हम चौक से सीधे मार्क कर लेंगे। इस साइड भी हमने देखिए मार्क कर लिया है। और अब हम देखिए ये जो मार्क किया है, मार्क वाली लाइन से यहाँ पर हम 2.5 इंच पे डाउन करेंगे और ऐसे इस साइड भी जो मार्क किया है, मार्क वाली लाइन पे 2.5 इंच पे हमें डाउन करना है। और ये हम 11 इंच की बेल्ट लेंगे और ये डी रिंग लेंगे। डी रिंग के साथ बेल्ट को हमें इसमें भी अटैच करना है। तो ये जो बेल्ट है, मार्क वाली लाइन पे देखिए इस साइड से हम सेंटर में देखिए इसको ऐसे रखेंगे और ये जो हमने 2.5 इंच डाउन किया है, इस साइड से हम डी रिंग को अंदर की साइड में बेल्ट पे सेट करते हुए इस बेल्ट को ऐसे फोल्ड करेंगे और मार्क वाले पॉइंट तक ऐसे सेट करते हुए स्क्वायर शेप में इस साइड से स्टिच करेंगे और ऐसे दोनों साइड से स्टिच करके इस बेल्ट को और ऐसे ही दूसरे वाले पॉइंट पे इस बेल्ट को हम डी रिंग के साथ में इसमें अटैच कर देंगे क्विल्टेड पीस में।
इस क्रोटेड पीस पे भी हमने देखिए दोनों बेल्ट को डीरिंग के साथ में इसमें अटैच कर दिया है। देखिए दोनों साइड से हमें स्क्वायर शेप में और क्रॉस में भी स्टिच करके हमें मजबूती के साथ बेल्ट को इसमें अटैच करना है। और ये भी पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। और अब हम देखिए दूसरा पार्ट लेंगे 10x11.5 का। ये हम दोनों क्रोटेड पीसेस लेंगे और ये हम प्लेन पीसेस लेंगे। पहले हम इसमें से एक पार्ट को लेंगे। ये 10 का साइड है और ये 11.5 का साइड है। तो 11.5 की साइड में हम इस साइड से 2.5 इंच पे देखिए ऐसे डाउन करते हुए हम यहाँ पर सीधे मार्क कर देंगे। 2.5 इंच पे डाउन करके हमने देखिए इस साइड मार्क कर लिया है। और अब हम मार्क और लाइन पे क्रोटेड पीस को हम कट कर लेंगे। क्रोटेड पीस को हमने देखिए मार्क वाली लाइन पे कट कर लिया है। और अब देखिए हम 10 इंच की ये दोनों जिप लेंगे और इसमें से पहले हम एक जिप को लेंगे और इस जिप को हम क्रोटेड पीस के ऊपर ऐसे रखेंगे। देखिए दोनों राइट साइड एक साइड में होगा और जिप को हम क्रोटेड पीस में सेट करते हुए स्टिच करके अटैच कर देंगे। और बैक साइड में करते हुए इसमें हम दाब सिलाई दे देंगे और जिप की दूसरी साइड में इस क्रोटेड पीस को हम इसमें अटैच कर देंगे। और ऐसे ही इस पार्ट में भी हम क्रोटेड पीस में 2.5 इंच पे पहले हम मार्क करेंगे, इसको भी हम कट करके इस जिप को हम इसमें अटैच कर देंगे। दोनों क्रोटेड पीस में मैंने देखिए जिप को अटैच कर दिया है। और अब हम देखिए इस साइड से यहाँ पर हम क्रोटेड पीस को देखिए ऐसे मेजर करेंगे। ये हमें 11.5 इंच पे रेडी करना था, तो हमने जब जिप अटैच की है तो इसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा पार्ट इसमें बढ़ गया है। तो इसको हम पहले मार्क करेंगे, इसके बाद हम मार्क वाली लाइन पे क्रोटेड पीस को स्टिच करके कट कर लेंगे। दोनों क्रोटेड पीस पे मैंने देखिए स्टिच करके क्रोटेड पीस को कट कर लिया है। जब हम क्रोटेड पीस पे जिप को अटैच करेंगे तो क्रोटेड पीस का पार्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो आप उसको इस साइड से मेजर करते हुए एक्स्ट्रा पार्ट को कट करके निकाल दीजिए। और अब हम देखिए जिप को ओपन करेंगे और दोनों जिप में हम रनर डाल देंगे। दोनों जिप पे मैंने देखिए रनर डाल दिया है। और अब हम देखिए ये जो प्लेन पीस है, प्लेन पीस को देखिए ऐसे ओपन करेंगे और ये जो क्रोटेड पीस है इसके ऊपर हम प्लेन पीस के ऊपर देखिए ऐसे सेट करते हुए राउंड में स्टिच करके प्लेन पीस को हम क्रोटेड पीस में अटैच कर देंगे। और ऐसे ही इस क्रोटेड पीस को भी हम प्लेन पीस में स्टिच करके अटैच कर देंगे। दोनों क्रोटेड पीस में हमने देखिए प्लेन पीस को राउंड में स्टिच करके अटैच कर दिया है। ये हमारी जिप से पॉकेट हमारी क्रोटेड पीस में अटैच हो गई है। और अब हम देखिए ये वाला पार्ट लेंगे जिस पे हमने इस पॉकेट को अटैच किया था। तो हम इस फैब्रिक को क्रोटेड पीस को देखिए ऐसे सेट करेंगे। देखिए ये जो राइट साइड है दोनों राइट साइड एक साइड में होगा और इस साइड हम इस पार्ट को देखिए ऐसे सेट करेंगे। और ये हम 1.5 इंच की पाइपिंग लेंगे। पाइपिंग को हम देखिए इसकी बैक साइड में ऐसे सेट करते हुए सीधे स्टिच करके अटैच कर देंगे। और ऐसे ही इस पार्ट को भी हम इसकी दूसरी साइड में देखिए ऐसे सेट करते हुए पाइपिंग के साथ इसमें अटैच कर देंगे। दोनों साइड से हमने देखिए क्रोटेड पीस को अटैच कर दिया है। इसमें पाइपिंग के साथ देखिए स्टिच करके हमें अटैच करना है दोनों साइड से। और अब हम देखिए पाइपिंग को ऐसे इस साइड ओपन करेंगे और इसको हम देखिए एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे और स्टिच लाइन पे डबल फोल्ड करते हुए ऐसे सेट करेंगे। और इस साइड से हम पाइपिंग को स्टिच करके लॉक कर देंगे। और ऐसे ही इस साइड भी पाइपिंग को ओपन करते हुए डबल फोल्ड करके इस साइड से भी हम पाइपिंग के साथ इस क्रोटेड पीस को इसमें अटैच कर देंगे। दोनों साइड से हमने देखिए पाइपिंग को डबल फोल्ड करते हुए स्टिच करके लॉक कर दिया है। देखिए इस साइड से भी लॉक कर दिया है। और अब हम देखिए इसको ओपन करेंगे तो दोनों क्रोटेड पीस देखिए इस साइड हमारे इसमें अटैच हो गए हैं। देखिए जिप वाला साइड हमारा इस साइड का और इस साइड का दोनों देखिए इस साइड होगा, जिस साइड ये हमने जिप अटैच की है। इस साइड हमें नहीं अटैच करना है जिप वाला पार्ट। देखिए सारी जिप हमारी देखिए एक साइड में ऐसे सेट करते हुए दोनों पार्ट्स को हमें अटैच करना है। और अब हम देखिए इस साइड आएंगे और ये हम 40 इंच की जिप लेंगे और इस जिप को हम क्रोटेड पीस में हम देखिए इस साइड रखेंगे जिस साइड ये हमने जिप अटैच की है। देखिए जिप का राइट साइड और क्रोटेड पीस का राइट साइड दोनों एक साइड में होगा और जिप को हम देखिए सेट करते हुए ऐसे हम सीधे स्टिच करके इसमें अटैच कर देंगे क्रोटेड पीस में। जिप को हमने देखिए सेट करते हुए सीधे स्टिच करके क्रोटेड पीस पे अटैच कर दिया है। और अब हम देखिए ये जो स्टिच लाइन है इसको हम ऐसे बैक साइड पे करेंगे। देखिए ऐसे हम सेट करेंगे स्टिच लाइन को बैक साइड में और इस साइड हम सेट करते हुए सीधे स्टिच करके इसमें हम दाब सिलाई दे देंगे। इस
इस साइड हमने देखिए स्टिच लाइन को बैक साइड में करते हुए इसमें हमने दाग सिलाई दे दी है इस साइड। और अब हम देखिए जिप को ओपन करेंगे और दोनों साइड से इसमें हम डबल रनर डाल लेंगे जिप में। कुर्ते पीस में हमने दोनों साइड से रनर डाल लिया है। और अब देखिए ये हम 12.5x20 का कुर्ते पीस लेंगे जिसपे हमने इस बेल्ट को डीरिंग के साथ में अटैच किया था। तो जिप वाले पार्ट को हमें इसमें अटैच करना है क्योंकि जिस साइड हमने डीरिंग अटैच किया है उस साइड हमारा जिप वाला पार्ट होगा। लेकिन जो जिप वाला पार्ट है उसको हम इस साइड रखेंगे जिस साइड हमने ये डीरिंग अटैच किया है। और इसको हम देखिए इसमें सेट करेंगे दोनों पार्ट्स को। तो ये हम पाइपिंग लेंगे, पाइपिंग को हम जिप वाले पार्ट के ऊपर देखिए ऐसे सेट करते हुए सीधे स्टिच करके इसमें अटैच कर देंगे। और ऐसे इस साइड भी देखिए ये जो दूसरा साइड है इसको हम इस साइड यहाँ पर जिप वाले पार्ट में पाइपिंग के साथ ऐसे स्टिच करके इस साइड भी इसको इसमें अटैच कर देंगे। दोनों साइड से हमने देखिए जिप वाले पार्ट को कुर्ते पीस में अटैच कर दिया है। पाइपिंग के साथ देखिए हमें स्टिच करके अटैच करना है। और अब हम देखिए इसको ऐसे ओपन कर देंगे और ये जो स्टिच लाइन है उसको हम इस कुर्ते पीस की साइड में देखिए ऐसे टर्न करेंगे और पाइपिंग को डबल फोल्ड करते हुए ऐसे सेट करेंगे और स्टिच करके ऐसे यहाँ से लॉक कर देंगे। और ऐसे ही दूसरी साइड में भी पाइपिंग को देखिए इस कुर्ते पीस की साइड में ऐसे टर्न करते हुए डबल फोल्ड करके स्टिच करके दोनों साइड से हम पाइपिंग को लॉक कर देंगे। दोनों साइड से हमने पाइपिंग को देखिए डबल फोल्ड करते हुए स्टिच करके लॉक कर दिया है, फिर साइड से भी लॉक कर दिया है। और अब हम देखिए ऐसे फ्रंट साइड में आएंगे और ये जो कुर्ते पीस है ये वाला जो पार्ट है जिसको हमने बैक साइड में अटैच किया है इस साइड देखिए हल्का सा कुर्ते पीस का एक्स्ट्रा पार्ट है। तो हम इसको पहले हम एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेंगे। इस साइड हमने देखिए एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लिया है और अब हम देखिए इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। देखिए ये जो जिप वाली स्टिच लाइन है और इस साइड जो जिप वाली स्टिच लाइन है देखिए जो कुर्ता पीस अटैच किया है दोनों स्टिच लाइन को देखिए ऐसे सेट करते हुए यहाँ पर हम पिनअप कर लेंगे। और अब हम देखिए इस साइड इस कुर्ता पीस को ऐसे सेट करते हुए यहाँ पर हम सेंटर का मार्क कर लेंगे। और ऐसे इस साइड भी जो कुर्टेड पीस है इस साइड भी हम देखिए सेट करते हुए कुर्टेड पीस पे हम सेंटर का मार्क कर लेंगे। और ऐसे ही दूसरी साइड में भी देखिए जो स्टिच लाइन है दोनों स्टिच लाइन को ऐसे मिलाते हुए इस साइड भी हम पिनअप करेंगे और इसमें भी हम दोनों साइड से सेंटर का मार्क कर लेंगे। इस साइड भी हमने दोनों साइड से सेंटर का मार्क कर लिया है। और अब हम पिन को ओपन कर लेंगे और ये हम 10x20 का कुर्ते पीस लेंगे इसमें से हम पहले एक पार्ट को लेंगे और इस कुर्ते पीस को हम 20 की साइड में देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे और इसमें भी हम दोनों साइड से सेंटर का मार्क कर लेंगे। इसमें भी हमने दोनों साइड से मार्क कर लिया है। पहले हम बॉटम की साइड से कुर्ते पीस को अटैच करेंगे। तो हम इसको ऐसे सेट करेंगे क्योंकि इस साइड जो कुर्ते पीस हमने अटैच किया है इस साइड में देखिए डीरिंग को अटैच किया है उस साइड 20 की साइड में हम इस कुर्ते पीस को देखिए ऐसे सेट करेंगे। दोनों सेंटर के मार्क को मिलाते हुए पिनअप कर लेंगे। और ऐसे इस साइड भी जो हमने सेंटर का मार्क लगाया है इस मार्क को और इस मार्क को दोनों मार्क को मिलाते हुए पिनअप कर लेंगे। कुर्ते पीस को हम देखिए सेट करते हुए राउंड में स्टिच करके अटैच करेंगे और जो स्टिच लाइन है उसे हम पाइपिंग से कवर कर लेंगे। राउंड में स्टिच करके हमने देखिए कुर्टेड पीस को अटैच कर दिया है और स्टिच लाइन को देखिए पाइपिंग से कवर कर दिया है। जैसे हमने इस साइड यहाँ पर पाइपिंग के साथ कुर्टेड पीस को अटैच किया है वैसे ही इसका जो दूसरा पार्ट है इसको हमें यहाँ पर अटैच करना है अपर की साइड में। तो 10x20 का ये हम दूसरा कुर्टेड पीस लेंगे इसको भी हम 20 की साइड में देखिए ऐसे फोल्ड करते हुए दोनों साइड से इसमें हम सेंटर का मार्क करेंगे। इस कुर्ते पीस में भी हमने दोनों साइड से मार्क कर लिया है। और अब हम इसको इसमें ऐसे सेट करेंगे क्योंकि जिस साइड हमने ये वाला पार्ट अटैच किया है 20 की साइड में हम इस कुर्ते पीस को सेंटर के मार्क से मिलाते हुए पिनअप कर लेंगे।
और ऐसे इस साइड भी, क्योंकि जिप वाले पार्ट पे जो हमने सेंटर का मार्क लगाया था और उल्टे पीस वाले मार्क को, दोनों मार्क को मिलाते हुए पिन अप कर लेंगे। और अब हम इस कुल्टेड पीस को भी राउंड में स्टिच करके अटैच करेंगे और जो स्टिच लाइन है उसे हम पाइपिंग से कवर कर देंगे। इस कुल्टेड पीस को भी हमने देखिए राउंड में स्टिच करके सिर्फ वाले पार्ट में अटैच कर दिया है और स्टिच लाइन को देखिए पाइपिंग से कवर कर दिया है। दोनों पार्ट्स देखिए नीटली अटैच हो गए हैं, बॉटम वाला और इस साइड वाला, दोनों पार्ट्स देखिए नीटली अटैच हो गया है। और अब हम देखिए जिप को ओपन करेंगे और इसको ओपन कर राइट साइड कर लेंगे। कुर्ते पीस को पलटकर हमने देखिए राइट साइड कर लिया है और अब देखिए ये जो जिप है इसको हम ऐसे रनर से लॉक कर देंगे। जिप को हमने देखिए लॉक कर दिया है और अब हमें हैंडल को अटैच करना है। तो ये हम हैंडल लेंगे, ये हमने 30 इंच का हैंडल लिया है और इस हैंडल को देखिए जो डी रिंग अटैच किया है इसलिए हम देखिए अंदर के साइड में से सेट करेंगे और थोड़ा सा हैंडल को देखिए ऐसे फोल्ड करते हुए, ऐसे हम सेट करते हुए डबल स्टिच करके इसको यहाँ से लॉक कर देंगे। और ऐसे ही दूसरे साइड वाले पार्ट को हम इस साइड भी इसको थोड़ा सा फोल्ड करते हुए स्टिच करके हैंडल को दोनों साइड से अटैच कर देंगे और ऐसे ही दूसरे हैंडल को हम इस साइड यहाँ पर स्टिच करके अटैच कर देंगे। हैंडल को हमने देखिए दोनों साइड से डी रिंग के साथ में अटैच कर दिया है इस साइड से और ऐसे इस साइड भी हैंडल को हमने अटैच कर दिया है। और अब हमारा ये मल्टीपर्पस ऑर्गेनाइजर बैग बन के रेडी हो गया है। देखिए फ्रंट साइड में एक हमारी जिप से ये पॉकेट है और इस साइड भी देखिए एक पॉकेट ये है और एक पॉकेट हमारी इस साइड से है। और सेंटर में हम देखिए इसको ओपन करेंगे और इसमें देखिए अंदर की साइड में काफ़ी स्पेस है। इस साइड अपने ज़्यादा ज़्यादा सामान को, कपड़ों को सेट करते हुए आप इसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकती हैं। इसको हम देखिए जिप से लॉक कर देंगे और इस बैग को हम देखिए इस हैंडल से ऐसे कैरी कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये बैग काफ़ी यूजफुल है, आप इसको जरूर स्टिच करिएगा। फ्रेंड्स अगर आपको ये हमारा मल्टीपर्पस ऑर्गेनाइजर बैग पसंद आया हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय।